हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल्स देख के आप समझ गए होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो को क्लिक करने से पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लिया हो। अगर नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें मैं कुछ अलग चीज़ें बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप इसके पहले के भी वीडियोज़ देख लेंगे ना, आपको और ज़्यादा अच्छे से मेरी जर्नी के बारे में पता चलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा चल रहा है 7th month, मेरा ख़त्म होने वाला है और 8th month स्टार्ट होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ व्हेन आई कंसीव्ड और साथ ही साथ आयुर्वेदा मिरेकल। चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो के थ्रू काफ़ी लोगों को पता चले कि हाउ मिरेक्युलस, हाउ ग्रेट आवर आयुर्वेदा इज़। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, कोई भी बीमारी होती है, आयुर्वेदा के पास कोई जाता भी है ना तो एकदम थक हार करके, और फिर आयुर्वेदा से भी वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि दे एक्सपेक्ट रिजल्ट लाइक दिस। उनको ये आयुर्वेद से कभी फेमिलियर ही नहीं हुए हैं, नहीं पता है, किसी ने बताया नहीं है, कोई फैमिली में एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस नहीं है। उनको मैं पहले तो समझा देती हूँ। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा बेसिकली है क्या, तो आयुर्वेद का जो संस्कृत मतलब है ना, आयुर का मतलब होता है लाइफ एंड लॉन्जिविटी, वेदा का मतलब होता है नॉलेज और साइंस। तो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको टीच कर रहा है टू लिव इन अ बैलेंस्ड, नेचुरल एंड हारमोनियस वे। तो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस एक्सट्रीम लेवल पर कभी पहुंचेंगे ही नहीं जिसमें आपको बड़ी बीमारियां या कोई डिजीज या इसका सामना करना पड़े। आयुर्वेद इज द ट्रेडिशनल नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अब मैं आगे आपको कैसे इसने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में हेल्प किया है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। देखिए, आप कोई सा भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, आपको डॉक्टर बहुत अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में भी बहुत तरीके के अच्छे डॉक्टर भी हैं, कम अच्छे डॉक्टर भी होंगे। सबको मैं मानती हूँ शायद इतना बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होगा। टचवुड, हमारे केस में एक हमारे डॉक्टर हैं जिन पे हम काफ़ी पहले से, मतलब मेरी मम्मी 2018 से उनके पास जानी है। 2019 में आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था PCOS PCOD के लिए। सो उसमें मैंने एक जिस आयुर्वेदिक आंटी को दिखाया था, भोपाल में एक हॉस्पिटल है कुशीलाल आयुर्वेदा हॉस्पिटल, काफी बड़ा हॉस्पिटल, आई थिंक MP का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल एंड कॉलेज दोनों है। वहां पर एक आंटी है जो मेरी पहचान की है। वहां पर वो आंटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की HOD है, मेडिसिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। तो जो भोपाल में काफी सारे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, उनकी वो टीचर रह चुकी है, मतलब बहुत बड़ी है, एजेड है। और मैंने शायद उस वीडियो में, मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो वो अब देखती नहीं है, वो सिर्फ हमारे पर्सनल रेफरेंस में 2-3 लोगों को उन्होंने देखा है, मेरा ट्रीटमेंट किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। आई थिंक 3 या 4 months की उन्होंने मुझे दवाई दी थी और मेरा PCOS पूरा उन्होंने खत्म करवा दिया था। तो मेरा एक्सपीरियंस भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा रहा है। नाउ कमिंग टू माय दिस जर्नी, कट टू दिस जर्नी। तो मेरे पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको नर्व वाला जो प्रॉब्लम हो गया था, अब वो तो इस सिचुएशन में नहीं थे कि हम उनको कहीं भी ले करके जा पाए। हम एक दिन सब, मैं, मम्मी, विक्की और हम लोग गए वहां पर, हमने बात किया, हमने पापा की सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने बोला ठीक है, आप कैसे भी करके उनको एम्बुलेंस तक यहाँ पर लेके आ जाओ, बस आपको एक बार उनको लाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ऐसा अपन ट्रीटमेंट उनको देंगे कि वो फिर बैठ के आएंगे आपकी खुद की कार में। लिटरली विद इन 1.5 months में उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, जो इंसान बैठ नहीं पाते थे वो 2.5 से 3 घंटे की जर्नी में बैठ के गए, और 2.5 से 3 घंटे की जर्नी में बैठ के आए। बैठ के मतलब थोड़ा पैर हम ऊपर कर दे रहे थे रास्ते में, नाड़ी देख करके आपकी सारी चीज़ें, आपको पता होगा हमारी जो बॉडी है उसमें 3 तरीके की नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वो लोग उसको देख करके कुछ देखते हैं कि आपको उनकी, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सिर्फ उस ये चेक करके, आपके पल्स चेक करके वो पता कर लेते हैं। आई थिंक सितंबर या अक्टूबर की बात है। तो मैं, तीनू, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, विक्की, सब जाने लगे थे। अब मैंने सोचा जब जा ही रहे हैं पापा को लेकर के, तो चलो मैं भी दिखा देती हूँ। तो मैंने अपना नाड़ी परीक्षण बोलते हैं उसको, वो करवाया, और ऑब्वियसली मेरे को और कुछ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैंने सोचा चलो अब हम लोगों को थोड़ा कंसीव वगैरह का देखना है, तो उनसे वही चेक करा लेती हूँ। उनको बताया कि अब मैं सोच रही हूँ कंसीव करने का, तो आप मुझे बताओ कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, या कोई ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं है। हमारे जो नाड़ी परीक्षण वाले हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे सिर्फ 15 दिन की दवाई लिखी, और उन्होंने मुझे सिर्फ 2 टेस्ट लिखे। एक तो आई थिंक मेरा ब्लड टेस्ट था, और एक मेरा पूरा यूरिन कल्चर टेस्ट हुआ था। उसमें डेफिनेटली, ऑब्वियसली आप इतनी रिपोर्ट पढ़ना तो आपको आती है, मुझे जो समझ में आया, मेरे पस सेल्स बहुत बड़े हुए। टेस्ट करते होते ना तो उनको अंदर पता चल जाता है, एंड वो चीज़ कन्फर्म करने के लिए आपको टेस्ट लिखवाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो टेस्ट लिखवाया, कि ना तो मुझे कोई यूरिन इन्फेक्शन वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो हो रहे थे, ना मुझे माइल्ड फीवर था, ना मुझे हेडेक था, ना मेरे को इरिटेशन था, ना इचिंग थी, मुझे कुछ भी नहीं था, और मेरे फसल्स बड़े हुए थे। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिखी, थोड़ी बहुत जो आयुर्वेद दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ और ट्रीटमेंट होता है ना, उसका मैं आपको थोड़ा रफली चार्ज कर देती हूँ। लोगों को लगता है आयुर्वेद ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कहीं पर बहुत
बहुत एक्सपेंसिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रहे हो, दैट इज नॉट प्रॉपर आयुर्वेदिक, वो पैसे कमाने वाला उनने धंधा बना के रखा है. पीपल सेज मी कि हमने आयुर्वेदा में 5-5 लाख, 4-4, 6-6 लाख लगा के रखा है, कि यू आर नॉट गोइंग टू अ राइट आयुर्वेदा प्लेस बिकॉज आयुर्वेद इतना एक्सपेंसिव नहीं है. सो हम लोगों ने ऑब्वियसली दवाई वगैरह लेना चालू करी. आती है मेन जर्नी मेरी, जनवरी स्टार्ट होता है और 6 जनवरी आई रिमेम्बर द डेट हम लोग वहाँ पर गए हैं और उन्होंने मुझे, मेरे अभी भी पीरियड्स आने में 20 डेज थे, उन्होंने मेरा चेक किया और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दिया था कि इस मंथ आपको पीरियड्स नहीं आएंगे. अब मैं एकदम शॉक हो गई, मतलब हम उस थॉट प्रोसेस से गए भी नहीं थे. मोस्ट प्रोबेबली यू हैव कंसीव, मैंने लिटरली इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया. मैंने बोला यार ऐसे कैसे कोई बता सकता है ये चीज़, मतलब इतना एडवांस आयुर्वेदा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. हमारी इंडियन आयुर्वेदिक साइंस इतनी तगड़ी है, मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी. क्योंकि यहाँ पर आप सोचो मुझे कब कन्फर्म कर दिया गया था, उसी टाइम पे मुझे 4-5 चीज़ें समझा दी थी. उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था अंग्रेजी एक भी दवाई नहीं खानी है चाहे कुछ भी हो जाए. एलोपैथी मेडिसिन से नहीं खाती हूँ, 1.5 साल होने को आ रहा है. चाहे वो फॉलिक एसिड हो, चाहे कोई सी वो, जब मैं मेडिसिन का पार्ट बताऊंगी आपको तब दूसरे वीडियो में ये चीज़ें कवर करूंगी. सो उन्होंने मुझे बोल दिया था कोई भी फॉलिक एसिड, कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं लेना है. उन्होंने मुझे बोला था स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, कि मुझे बोल दिया था कि बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला है. अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है वैसी लाइफस्टाइल चलाओ, नॉर्मल रहो, इंजॉय करो, खुश रहो, सब अपना नॉर्मल करते रहो. ठीक है, अब उसी बीच में मेरा अगेन पीरियड्स का डेट आया और मेरा पीरियड स्किप हुआ. तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि मैं कन्फर्म हूँ या ऐसा, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा PCOS का इशू रहा है और मुझे 10-10, 12-12 दिन डिले होना इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी. फिर उसके 4-5 दिन बाद मेरा बर्थडे आया, मैंने अपना बर्थडे एंजॉय किया. मैं सब पिक्चर्स लगाती जाऊँगी कौन कौन से मंथ में क्या क्या कर रही थी फुल ऑन. 30-31 मेरे कज़न की शादी थी, महिला संगीत में बिंदास मैंने डांस किया है, बारात में मैंने बहुत अच्छा डांस वान सब कुछ किया. ठीक, नाउ अगेन 6 फरवरी आती है और हमारा टाइम आता है वहाँ जाने का. तो हम लोग अगेन 5 और 6 फरवरी को वहाँ पर गए. मैंने तब तक टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे ये था कि पहले वही बताएंगे एक्चुअली में कि है कि नहीं है. एंड अगेन ही चेक्ड माई पल्स एंड उन्होंने मुझे फर्स्ट चीज़ जो सबसे पहले बोली कि आपने टेस्ट किया उस पर किट में, तो मैंने बोला नहीं. तो उन्होंने बोला करके आना चाहिए था और मेरे लिए मिठाई लेके आनी चाहिए थी. तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया दैट आई एम प्रेग्नेंट. अच्छा, जब ये हम जा रहे थे ना वहाँ पर, तो जनवरी में ही, आई थिंक जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, विक्की ने और मेरा जो फ्रेंड है इन लोगों ने डिस्कस कर कुरा करके टिकट्स बुक कर ली थी कहाँ की, वैष्णो देवी और कश्मीर की. पहले हमने पूछा कि अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है. तो मतलब कुछ नहीं करना है, इन्जॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, जैसे लाइफ चल रही है बिल्कुल वैसे करना है. फिर विक्की ने उनको बताया कि हम ट्रैवल पे जाने वाले हैं और हम वैष्णो देवी जा रहे हैं. फर्स्ट वर्ड उन्होंने सुनकर के यही चीज़ बोली कि आप बहुत अच्छे स्थान पर जा रहे हो, बिल्कुल जाओ, भगवान का नाम लेकर के जाओ, अच्छे से जाओ, सेफ्टी रखो अपना, वेट वगैरह मत उठाना, बाकी बिल्कुल जाओ, बिंदास जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है अंदर. ऐसा करके उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी दी. और फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि अभी हम अपने पेरेंट्स वगैरह को बता सकते, क्योंकि मैंने ना अपनी मम्मी पापा को बताया था ना किसी को बताया था, मुझे उस टाइम कन्फर्म हुआ था. तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि बता सकते हो, अगर चाहो तो थोड़ा 10-15 दिन और रुक जाओ, आप अपना एक टेस्ट कर लो खुद से, आप अपनी जो क्लोज्ड वंस हैं अपने इन लॉज और पेरेंट्स को बता सकते हो. तक मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, मतलब लिटरली 0 सिम्टम्स थे मेरे को, सिर्फ यही हुआ था कि मेरा पीरियड स्किप हुआ था. अच्छा, अब हमारा 6 या 5 या 6 को हमने दिखाया है और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे ही ट्रेन थी संडे की मुंबई जाने के लिए. यही डिस्कस हुआ कि चलो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले किट में टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर घर वालों को सबसे पहले बताएंगे. मुंबई में हमने जिस दिन मैं आ रही थी ना, मैंने तब तक भी टेस्ट नहीं किया. जब हमारा भोपाल जाने का टाइम आया उसके एक दिन पहले आई थिंक आई टुक दैट किट वाला टेस्ट एंड इट ऑब्वियसली इट केम पॉजिटिव. तो अब जैसे बहुत लोगों के रिएक्शंस होते हैं ना प्रॉपर, वो लोग रिएक्शन लेते हैं, चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. विक्की को पता था कि है, मुझे पता था कि है, तो हमारे ना वो वैसे वाले रिएक्शंस नहीं आए जो एकदम रोना आ जाता है और बहुत इमोशनल हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है. वी वर ऑब्वियसली हैप्पी बट वी वर काम एज वेल, हम लोग काफ़ी काम एंड कंपोज्ड भी थे. तो सबसे पहले किसी को अगर मैंने बताया है तो वो किट की फ़ोटो मैंने टीनू को भेजी और उसको बताया. एंड उसके नेक्स्ट डे हम भोपाल पहुँच गए एंड उसको मैंने बता दिया था. उसने पूछा घर वालों को बताया, मैंने बोला नहीं घर वालों को नहीं बताया, मैं नेक्स्ट डे बताने वाली हूँ. कल हम निकल ही रहे थे भोपाल के लिए. तो उस हम मंडे को यहाँ पहुँचे हैं भोपाल एंड ट्यूसडे था. हमने कहा ट्यूसडे बहुत अच्छा दिन है, मंदिर जाते हैं. तो सबसे पहले हम हनुमान जी के मंदिर गए, आया भी बहुत आर हनुमान भक्त प्रसाद चढ़ाया और हमने सोचा मिठाई लेके जाते हैं और दोनों के पेरेंट्स को बताते हैं. सबसे पहले इन लॉज को बताया तो मेरी मदर इन लॉ का फर्स्ट रिएक्शन, ऑब्वियसली लोग बहुत खुश थे बट मेरी मदर इन लॉ को कहीं ना कहीं इंट्यूशन था दैट आई एम प्रेगनेंट. एंड व्हेन आई टोल्ड टू माय मदर, ऑब्वियसली मेरा पीरियड स्किप हुआ था, मेरी मम्मी के साथ ही रह रही हूँ मैं, तो शी ऑल्सो हैज दिस इंट्यूशन दैट आई एम प्रेगनेंट. माई बोथ दी मदर्स न्यू
ऑलरेडी दैट आई एम प्रेगनेंट. मैं यहाँ पर एक और थॉट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है ना कि हम लोग पेरेंट्स से छुपाते हैं कि यार 3 मंथ्स हो जाने देते हैं, फिर हम पेरेंट्स को बताएंगे या इन लॉज को बताएंगे. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम हमारे पेरेंट्स को बताएंगे. वो इसलिए क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत मतलब मॉडर्न नहीं है, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम इस जर्नी में हमारे डॉक्टर की सुनेंगे. आपके डॉक्टर से भी अच्छी एडवाइस कोई आपको देगा ना तो वो आपकी मदर इन लॉ और आपकी मदर है, ये आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगी. और दूसरी चीज़ यार, इतना टाइम उनको तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पेरेंट्स हैं. ये लोग क्या है ना, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, ये हमारे वीकनेस तो है ही है बट साथ ही साथ हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स भी हैं. बहुत हिम्मत भी देते हैं, पॉजिटिविटी भी देते हैं, समझाते हैं. एज ए न्यू पेरेंट या कोई भी नई चीज़ होती है तो आप लोग तो पैनिक कर जाते हो. तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं यार, इतनी बड़ी चीज़ है, भले आप किसी और को मत बताओ बट अपने पेरेंट्स को बताना इज़ मैंडेटरी. जो भी होगा वो सब साथ में देख लेंगे, बट उन लोगों को हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया. अब क्योंकि हम लोगों का जाने का ट्रिप था, हम शॉपिंग भी कर चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, तो ये पूरी अलग स्टोरी है जो मैं अभी बताऊंगी आपको कि हमने हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कैसे कन्विंस किया. क्योंकि आप सोचो ना, 6 साल बाद हम लोग फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे थे. क्या हमारे पेरेंट्स लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हम लोग ट्रिप पे ना जाए, वो सब एक अलग स्टोरी है. वो मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन रहेगा ना गर्भ संस्कार वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगी. मैंने इतना प्रिकॉशंस रखा था कि मैंने कोई भी वेट नहीं उठाया था एंड जीन्स वगैरह मैंने पहनना अवॉइड कर दिया था. उसकी जगह मैं सारे ब्लिस क्लब के पैंट्स पहनती थी, अच्छे शूज रख लिए थे. कि हम ऑलरेडी बाहर जा रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो स्नैक्स वगैरह है वो घर का ही खाऊं. तो मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बना के रख दी थी, मेरी मदर इन लॉ ने बना के रख दिया था. तो जो भी स्नैक्स था वो सब मैं घर का ही खा रही थी. और जो खाना है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो आप थोड़ा बहुत तो बाहर का फिर खाओगे ही खाओगे. नाउ कमिंग टू द वैष्णो देवी. वैष्णो देवी गई मैं, क्या कैसे मैं चढ़ गई 30 किलोमीटर पैदल, क्या कर गई, वो सब मैं आपको गर्भ संस्कार वाले सेशन में बताऊंगी. मैं जा रही थी ना ट्रिप पे, उसके 4-5 दिन पहले से थोड़े सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए थे, मतलब मुझे वॉमिटिंग्स होना स्टार्ट हो गई थी. दूसरा जो एक और सिम्टम था, मुझे फ्रेग्रेंस से बहुत इरिटेशन होने लगा था. जो फॉरेस्ट एसेंशियल्स के मैं फेस वॉशेज यूज करती थी, मुझे उनकी खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी. तो ये मुझे छोटे मोटे ऐसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए थे. भगवान का नाम लेकर के पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हम लोग वैष्णो देवी गए. क्योंकि तो पूरा बिलीव था सब कुछ बहुत अच्छा होगा. वहां से आप मेरे व्लॉग्स देखते आइए, आपको जो भी मेरे व्लॉग्स दिख रहे हैं ना वो सब मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है. बस मैंने हैशटैग प्रेगनेंसी वीडियोस नहीं डाला है, बाकी वो सब मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स ही हैं. डेफिनेटली मुझे 2 बार वॉमिटिंग हुई थी, एसिड वॉमिटिंग हुई थी, क्योंकि खाली पेट चढ़ रही थी मैं. था मेरे पास घर का बहुत सारा सामान था, तो वो खाते पीते मैं पूरा ऊपर तक चढ़ गई. और माता जी के आशीर्वाद से बढ़िया दर्शन भी हो गए. सबसे जो मिरेकुलस चीज़ हुई है ना मेरे साथ, वो ये हुई है कि जब मैं गुफा में पहुंची हूँ, मैं एक्चुअली मैं गई अपने पापा के लिए ही थी, बट जब मैं वहाँ पहुंची ना मंदिर में, मतलब जैसे जैसे वो लाइन लगी हुई थी, मैं खड़ी थी, मैं विक्की खड़ा था पीछे, और मेरे पीछे हमारे वो जो कपल फ्रेंड्स हैं दोनों, जवस्वी और उसकी वाइफ खड़े हुए थे. तो जैसे जैसे मैं पास आती जा रही थी, मेरे पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे बस आंसू बहना स्टार्ट हो गए थे. तो जैसे किसी ने टैप ओपन कर दिया, आई डोंट नो हाउ, पंडित जी ने शायद मुझे देखा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और देवी जी के पास से, यूजुअली जो प्रसाद मिलता है वो आपको बाहर से मिलता है, कभी भी वहाँ पे आपको प्रसाद नहीं मिलता है, उन्होंने मुझे देवी के जो पैर पे टीका था वो लगाया और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया. और उन्होंने मुझे बोला, तू चिंता मत कर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा. और किसी को ना मेरे पीछे ना मेरे आगे किसी को इस तरीके का प्रसाद नहीं मिला था. वो प्रसाद को मैंने तब खाया और उसको अपनी पुड़िया में रख करके अपने पास रखा. इट वॉज लाइक वेरी गूजबम वाला मोमेंट था, बहुत मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, मैं अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं. वहाँ वापस पैदल के लिए निकल गए हम लोगों ने. विक्की ने मुझे बोला भी बहुत बार, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट, तो उसने मुझे बोला कि घोड़े पे बैठ जाओ, घोड़े या खच्चर पे बैठ जाओ. मैंने बोला मैं नहीं बैठूंगी, अगर आप में दम है तो आप पैदल जाइए, अगर नहीं है तो मत जाइए. जैसे भी करके मुझसे हुआ, मैं नीचे आई और आने के बाद हम होटल में गए, वहाँ सोए और नेक्स्ट डे हम अगेन निकल गए 7-8 घंटे की जर्नी में. तो मतलब बहुत तगड़ी हमारी जर्नी हुई है पूरी. कश्मीर पहुँचे, कश्मीर में भी हमने डेली हर दिन ट्रैवल किया है, 2-2.5 घंटे जाने के कहीं पे, 2-2.5 घंटे आने के. कश्मीर में भी मैं किसी भी जो ये होता है ना आपको वैली वगैरह पे लेके जाते हैं तो वो लोग घोड़े करते हैं, खच्चर करते हैं, घोड़े करते हैं, मैं किसी घोड़े या खच्चर पे नहीं बैठी हूँ. मीटिंग्स हुई डेफिनेटली मुझे, आपको वो वाला सीन याद होगा जहाँ पर मैं ये राजमा चावल खा रही हूँ, बहुत टेस्टी. मैंने बोला था मैंने अपने लाइफ के बेस्ट राजमा चावल खाए. जब हम गाड़ी से वहाँ पर निकले थे ना, तो इतना
सुंदर व्यू था. मैं ड्राइवर भैया को बोल रही हूँ, भैया रोके रोके रोके, और आई डिड वॉमिटिंग. तो हमने हमारे ड्राइवर को डेफिनेटली चीज बता दी थी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. उन्होंने इतने अच्छे से टेक केयर करके मेरी गाड़ी चलाई है. तो जब हम कश्मीर से आ भी रहे थे ना, तो जो हमारा अमाउंट था उसके अलावा भी मैंने उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे, या जो भी बहन बहन करके वो बोल रहे थे, तो मैंने उसके तौर पे उनको मैं एक्स्ट्रा पैसे दे करके आई और उनको बोला कि आपने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई है. अच्छा, अब जब हम कश्मीर और वैष्णो देवी जा रहे थे, तो जाने से पहले मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये चीज़ बोला था, विक्की और हम लोगों को, कि तुम लोग इतना दूर जा रहे हो, वेदर कंडीशंस अलग होने वाली हैं, तो एटलीस्ट एक बार अपने किसी एलोपैथी डॉक्टर को दिखा दो और उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले लो कि इन केस अगर मुझे फीवर आ जाता है, मुझे कफिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे ऑलरेडी, कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ होती है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव दोज मेडिसिंस विद यू. दो तीन जो लोकल डॉक्टर्स हैं यहीं पे आसपास हैं, उनको दिखाते हैं. मैं फर्स्ट डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला, आपको कैसे पता चला दैट यू आर प्रेग्नेंट? तो मैंने बोला, आई मिस्ड माय पीरियड, चेक विद द किट. तो वो मुझे ब्लड टेस्ट लिखती थी, स्कैन लिखती थी, थायराइड टेस्ट लिखते थे, एंड मैंने उनको फिर ये बताया कि ये टेस्ट तो मैं अभी नहीं करवा पाऊंगी, मुझे सिर्फ इसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू वैष्णो देवी एंड कश्मीर. भाई वो तो मेरा दो मिनट शक्ल ही देखती रह गई. वो मुझे बोली, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टू एनीवेयर. तो उन्होंने तो चलो मना कर दिया. हमने कहा चलो ठीक है, सेकंड डॉक्टर के पास जाते हैं. हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, सेम उन्होंने भी मुझे बोला कि 3 महीने तक तो आपको रेस्ट ही करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आप अगर मेरी माने तो. डॉक्टर को मैंने बताया, उन्होंने अगेन मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, उन्होंने लेकिन प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया. वैष्णो देवी जब हम पहुंचे ना, तो पूरे ट्रिप पे मुझे एक दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी. आपको याद हो तो मेरा नोज कंजेशन बहुत गंदा हुआ था, स्टीम ले लेती थी, वैष्णो देवी माता ने प्रसाद दे ही दिया था, तो मुझे ये पता था कि कुछ नहीं होगा. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज, मुझे जर्नी में ना वॉमिटिंग जो हो रहा था, वो होने की वजह से मैं कुछ खाना, मेरा खाने पीने का कश्मीर में बिल्कुल टेस्ट खराब हो गया था. तो मैं पूरी तरह से जो जिंदा थी वो अपने घर वालों के खाने के ऊपर जिंदा थी, और दूसरा मैं सैलड्स बहुत खाती थी. मुझे खाना तो वहाँ का बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था, तो मैं पूरा सैलड मतलब भर भर के बाउल, मतलब मैंने इतनी ककड़ी खाई है, इतनी ककड़ी खाई है शुरू के 3 महीने की, मैं आपको क्या बताऊँ. क्रेविंग हो रही थी मुझे क्यूकम्बर की, और मैं बढ़िया क्यूकम्बर में नींबू मिला के नमक डाल के बहुत खाई है मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग 3 मंथ्स में. वहाँ से आने के बाद अगेन हम लोग हमारे वैद्य जी के पास गए, उनको बताया वैष्णो देवी का प्रसाद है, प्रसाद वगैरह दिया उनको, उन्होंने अगेन मेरी नाड़ी चेक करी, उन्होंने बोला सब कुछ बढ़िया है. जो उन्होंने दवाई दी थी, 3-4 टैबलेट्स थी जो लेनी थी मुझे, और एक लिक्विड था मेरा, तो वो उन्होंने दिया, उन्होंने बोला अभी कंटिन्यू करो. और मैंने बोला अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है. डॉक्टर को पकड़ो, उनको ट्रीटमेंट करवाओ, जो टेस्ट लिखती है वो टेस्ट वेस्ट सब बिंदास कराओ, स्कैन कराना है स्कैन करा लो, अब फर्स्ट स्कैन कराना, ज्यादा स्कैन कराने की भी जरूरत नहीं है. जो भी मेडिसिन लिखे हैं, टेस्ट लिखे हैं, वो मेरे को बता दिया करना, लेना मत, लेंगे अपन पूरा सब कुछ आयुर्वेदिक. मैंने बोला ठीक है, डन. फिर हम लोग मुंबई निकल गए, वहां पर फर्स्ट मेरा स्कैन हुआ है. एक स्कैन होता है जो 9th to 12th के बीच में, 12th week के बीच में होता है, मेरा वो टाइम पीरियड निकल गया था. तो 14th week में मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ है. सारी चीजें ना नोट डाउन है. USG अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जिसको होता है वो हुआ है. मैंने भी मुझे बता दिया गया था कि इंटरनल कोई भी स्कैन नहीं कराना, डॉक्टर कितना भी प्रेशराइज करे मना कर देना, मैं नहीं करवाऊंगी इंटरनल स्कैन. मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे मना कर दिया था कि कोई भी इंटरनल स्कैन कराने की जरूरत नहीं है. स्कैन आने के बाद जब सब कुछ पता चल गया, उन्होंने फिर मुझे बताया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, AFI लेवल, हार्ट बीट, ग्रोथ, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है. और जब मुझे इस चीज के बारे में पता चल गया, अभी तब तक भी मैंने, आप सोचिए, मैंने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करवाया था. गायनेक मैंने चूज कर ली कि इधर पे मैं अपनी डिलीवरी करवाऊंगी. बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाओ, पैकेज होते हैं, ये सूट और वो सूट और ऐसे ऑफर्स होते हैं, इतना आप करा लो तो इतना हम देंगे, 10 ब्लड टेस्ट करा लो तो 12वां फ्री दे देंगे. पता है इतना गिमिक और मार्केटिंग बना के रखा है इन सब चीज़ों को. तो मुझे तो जाना ही नहीं था ऐसे किसी हॉस्पिटल में, बिकॉज मैं पापा का सिनेरियो सब देख चुकी थी. तो मैंने बोला मैं किसी सिंपल सी अच्छी डॉक्टर के पास जाती हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने बहुत टेस्ट मेरे लिखे भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से जो स्टार्टिंग वाले टेस्ट होते हैं 4th मंथ में वो लिखा मेरा, और इसे 3 दवाइयाँ लिखी. उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड, आयरन एंड प्रोटीन की 3 दवाइयाँ लिखी हैं, जिसको मैंने ऑब्वियसली नहीं लिखा लिया है. कैल्शियम प्रोटीन में किस फॉर्म में ले रही थी वो मैं अलग वीडियो में आपको, न्यूट्रिशन वाले वीडियो में बताऊंगी. देसी तरीके से मैंने अपना प्रेगनेंसी किया है. मेरे सिर्फ 3 स्कैन हुए हैं अब तक की पूरी जर्नी में. एक तो मेरा अर्ली USG स्कैन हुआ था, फर्स्ट वो, सेकेंड मेरा एनोमली स्कैन हुआ है, और थर्ड मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ है बस. तो इस पूरे 8 मंथ तक की जर्नी में मेरे सिर्फ 3 स्कैन हुए हैं, बाकी कोई स्कैन की जरूरत नहीं पड़ी है. और 2 बार मेरे ब्लड टेस्ट हुए, एक बार मेरा 4th मंथ में हुआ था और एक अभी मेरा 7th मंथ में हुआ है, दैट्स इट. वैसे तो मैं देखो प्रेगनेंसी वीडियोस देखती नहीं थी, ना पहले देख रही थी, ना मैंने इस पूरी जर्नी में 6 मंथ की जर्नी में देखा, क्योंकि आपको पता होगा मुझे टाइम ही नहीं मिला उस 6 मंथ की जर्नी में. मैं ट्रैवल ही करती रह गई, भोपाल मुंबई, मुंबई भोपाल, और जो भी आप देख रहे थे पूरा घर का काम, खाना पूरा खुद बना रही थी. सिर्फ मैंने रोटी वाली आंटी लगवा करके रखी थी, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन तो मेरे
मेरे यहाँ ऑब्वियसली हेल्पर थी, रोटी मैं बनवाती थी, बाकी क्योंकि मैंने बीके शिवानी की वीडियोस देख रखे थे तो मुझे एक बात बहुत हिट कर गई थी उनकी कि जो इंसान जिस फीलिंग्स के साथ खाना बनाता है ना, वो फीलिंग उसके उस खाने में जाती है और वही फीलिंग आप ले रहे होते हो। तो मैं मेक श्योर करी थी इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में कि मैं खुद खाना बनाऊंगी प्यार से, हिम्मत हो नहीं हो। खैर तब तक 6 महीने तक तो मुझे कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ। मैं नॉर्मल मॉल्स भी जा रही हूँ, निशा के भाई की शादी की शॉपिंग भी करवाई है, डांस वगैरह सब किया है मैंने। तो अब क्या हुआ, मैं अब जब मैं आप प्रेगनेंट हो तो भाई बहुत सारे मेरे टाइम पे ना बहुत सारे लोग प्रेगनेंट, पता नहीं ऐसा लगा था कि बाढ़ आई है प्रेगनेंसी की। तो अब गलती से ऐसी एक और वीडियो में ये बता रही है हर महीने 12 से 13 ब्लड टेस्ट कराती है वो बंदी। तो मेरे को एक डाउट आया दिमाग में, मैंने कहा यार मैं तो इतने टेस्ट कराती ही नहीं हूँ। तो मैं अपनी डॉक्टर के पास एक दिन गई, 7th month की बात है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने मेरा प्रोटीन कैल्शियम ये सब टेस्ट तो करवाया ही नहीं है। उन्होंने बोला नहीं आपको जरूरत नहीं, मेरी एलोपैथी डॉक्टर ने भी मुझे ये चीज़ बोला कि नहीं आपको जरूरत नहीं है, जो हीमोग्लोबिन करवाया है अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती तो हम फिर आयरन कराते ये कराते, सारी चीज़ें आपकी ठीक आई हैं। मैं एंशियस क्यों हुई, क्योंकि मैंने सामने वाले का वीडियो देखा जो वो बता रहा था। सबकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, जो देखोगे वही आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। तो जो अब सपोज हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बट फिर भी आप क्योंकि वो देख रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आने लगेंगी। चीज़ें मुझे ऐसा लगता है पर्सनल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। 6 महीने तक के तो प्रेगनेंसी वीडियोस आप देख लो, जनवरी से लेकर के जून तक के वीडियोस मेरे डले हुए हैं, पूरे व्लॉग्स डले हुए हैं, हैशटैग प्रेगनेंसी मैंने नहीं डाला है, जबकि मुझे पता है प्रेगनेंसी वीडियोस बहुत चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आपकी इस दुनिया में आई भी नहीं है, आप इतना लालची हो रहे हो उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा कि आप उसको भी मोनेटाइज कर रहे हो पैसा कमाने के चक्कर में, तो इतना पैसा कमाने की भूख मेरे पास नहीं है। भगवान की कृपा से सब चीज़ें मेरे पास, मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। इस तरीके के टाइटल्स डाल के प्रेगनेंसी वीडियोस बनाना कि आज मैं डॉक्टर के पास गई हालत ख़राब हो गई, तो टाइटल इस तरीके का डला हुआ है कि मेरी रिपोर्ट सही नहीं आई है, अंदर सब नॉर्मल है, क्रिंजी टाइटल्स डाल करके। मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है या मैं गलत हूँ, वो सही है या मैं सही हूँ, पर्सनली मेरे को नहीं पसंद है ना देखना ना मुझे ऐसे करना। दी एंड मुझे बस यही बताना था कि हाउ आयुर्वेदा हेल्प्ड मी इन माय होल जर्नी। अच्छा मैं एक और कंक्लूजन ये देना चाहूँगी, डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विद माय। अगर आप मेरे अभी टाइम पे प्रेग्नेंट चल रहे हैं तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। ना ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप गलत जगह गए हो, डेफिनेटली एलोपैथी में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा बताना है कि जो लोग आयुर्वेद को बहुत कम समझते हैं, जो उसको लास्ट ऑप्शन लेते हैं, कंसिडर इट एज योर फर्स्ट ऑप्शन। राइट भी शेयर करूंगी कि मैं क्या ले रही थी क्या नहीं ले रही थी, वो सब भी बहुत बहुत मेजर रोल प्ले किया है उस डाइट ने भी मेरे साथ। आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो और थोड़ा मोटिवेशन मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।